पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के मित्रवत संबंध एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। अब अडानी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट का अधिग्रहण भी पूरा कर लिया। इस सौदे के बाद मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अडानी समूह की 74% हिस्सेदारी रहेगी। अडानी समूह की सब्सिडियरी AAHL अब देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी बन गई है। अब उसके पास देश के 7 एयरपोर्ट की कमान है। अडानी के पास मुंबई एयरपोर्ट के अलावा 6 अन्य प्रमुख एयरपोर्ट भी हैं, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट शामिल हैं। इनके मैनेजमेंट अडानी ग्रुप के पास ही है। एयरपोर्ट को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी अगले 50 सालों तक की है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से, जब केंद्र की मोदी सरकार ने अपना सबसे बड़ा निजीकरण कार्यक्रम शुरू किया। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के कुछ एयरपोर्ट्स को संचालन के लिए निजी कंपनियों को देने का प्रस्ताव रखा। इनमें अहमदाबाद, मैंगलोर, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट थे। अडानी ग्रुप ने साल 2019 में एयरपोर्ट के प्रबंधन और कामकाज के लिए बोली लगाई और सारे के सारे 6 एयरपोर्ट उसके हवाले कर दिए गए। नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने मना भी किया, फिर भी अडानी को देश के 6 एयरपोर्ट नीलाम कर दिए गए। इन सब की कीमत अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी को ही चुकानी पड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही अडानी ग्रुप ने लखनऊ एयरपोर्ट के चार्ज में 10 गुना की वृद्धि कर दी थी। सारे नियम, कायदे, कानून, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की सलाह को दरकिनार कर मित्रों पर मेहरबानी का खेल मोदी सरकार खूब खेल रही है। अडानी में पता नहीं ऐसी क्या बात है कि मोदी सरकार देश के सारे महत्वपूर्ण हवाई अड्डों को संचालित करने की जिम्मेदारी उसे ही दे रही है।